250 गज के अंदर टेस्टफुली बिल्ट और मॉडर्न विला, और वो भी डुप्लेक्स, प्लेंटी ऑफ फ्लो ऑफ नेचुरल लाइट आ रहा है, मतलब एक मिनट के अंदर एक्सेस है मेन ए रोड से इसका, और ग्रैंड चीजें बनाई गई हैं। दिखाई 75 के अंदर हीरे की तरह तराशी हुई, तो ये नंबर प्लेट आपके घर की भी हो सकती है। भाई साहब कैसे लगे इसके ग्लिम्प्स, कितने सुंदर लगे, अमेजिंग लगे। तो ये है 10 मरले का एक टेस्टफुली बिल्ड और मॉडर्न विला, 30x75 की एक प्राइम लोकेशन ऑफ पंचकुला के अंदर ऐसा घर मिल जाए, और अमेजिंग डिजाइनिंग के साथ उसका कहना ही क्या। और बी रोड का घर है, बी रोड 30x75 के अंदर एक महल बनाया है 250 गज के अंदर। बी रोड का ये फायदा कि आपको तकरीबन 35 फुट की लंबाई चौड़ाई में आपको रोड मिल जाता है, उसके सामने आपका यहाँ पे 4 गाड़ियाँ घर के सामने ही पार्क हो जाएंगे 30x75 के अंदर। बहुत ही अमेजिंग फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन है, देखिए कितना सुंदर काम किया गया है हमारे फ्रंट एलिवेशन के अंदर, जिसमें हमने ग्रिल्स का काम किया है, बहुत ही सुंदर रस्टिक पेंट का काम किया है, और टॉप सीलिंग के अंदर बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं HPL का, और उसके अंदर लाइटिंग का वर्क जो कि रात को एक अल्टीमेट फिनिश दे देगा। लाइट ब्राउन और मिक्सचर बनाया गया हमने ग्रे कलर की ग्रिल्स का, जो कि HPL के साथ वर्क करते हुए अमेजिंग डिज़ाइनिंग और 30x75 के अंदर इनके वंडरफुल लुक में दे दिया गया है। और ये मेरा दावा है, ऐसा घर आपको पंचकुला की प्राइम लोकेशन में नहीं मिल सकता। बहुत ही सुंदर इसकी 10 मरले की फ्रंट एलिवेशन है। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन ना हम ड्रोन के साथ देखेंगे, क्योंकि ड्रोन में ना हम क्या कि कैमरे की मूवमेंट होती है, लेकिन ड्रोन में आपको बहुत ही अमेजिंग लुक लगने वाला है। अब देखेंगे इसकी ड्रोन लुक्स को। देखिए कितने अमेजिंग ड्रोन लुक से। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट है जो करीबन आपको 15 फुट का एरिया मिल रहा है, जहाँ पे आपके घर के सामने ही गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। उसके बाद ये देखिए कितना सुंदर हमने ग्लास का वर्क किया गया है, बाउंड्री वॉल को 8 फुट पर बना दिया गया और बीच में ग्लास का काम किया, सो डैट कि आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, और फ्यूचर में यह है कि आपको ओपननेस के साथ क्लोजनेस का काम, और कितना सुंदर डिज़ाइनिंग के वर्क। और यहाँ पर आपका लेटर बॉक्स एरियाज आने वाले हैं, यहाँ आपका नंबर प्लेट, तो ये नंबर प्लेट आपके घर की भी हो सकती है, आपका नाम भी यहाँ पर आ सकता है। तो अभी खरीदना है, अभी नीचे देखिए मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ। तो भाई साहब कर लो इकट्ठा पैसा और घर ले लो ऐसा वाला घर। और यहाँ पे हमारा विकेट गेट के साथ एक स्लाइडिंग गेट आपको ग्रीट करेगा अमेजिंग डिज़ाइनिंग के साथ, तकरीबन 11 फुट की ऊपर छत है, और मॉडर्न सेंसर्स देखिए यहाँ पे आपके सारे के सारे सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका UPVC विंडोज़ के साथ मेश विंडो का काम, यहाँ पे डुअल टोन के लैंप्स, और एक यहाँ पर भी ना टॉप तक स्टेज जा रही है जहाँ पे आपके सर्वेंट क्वार्टर है, और यहाँ से आपका मेन घर स्टार्ट होता है। भैया दो स्टेप्स लेते ही दरवाज़ा आपका नज़र कर रहा है और वो पुकार रहा है, आ जा मुझे देख ले आ जा। तो वो वाला डिज़ाइनिंग के साथ तकरीबन 5 फुट की चौड़ाई में 8 फुट लंबा गेट, और ऐसे ही मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो पोटेंशियल। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच 10 मरले का एक ब्यूटीफुल मॉडर्न डुप्लेक्स विला। एंटर करते ही लगा एक ब्यूटीफुल सा और लग्जरी सा टेस्टफुली बिल्ड घर। टेस्टफुली घर बिल्ड मतलब कि एक अमेजिंग डिजाइनिंग और वंडरफुल लुक्स आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। देखिए चीज़ें ना हम ढूंढ के लाते हैं और ऐसी चीज़ लेके आए कि वो नयाब हो और हीरे की तरह तराशी हो, तो 30x75 के अंदर हीरे की तरह तराशी हुई घर है। और हीरे की तरह तराशी हुई मैं आपको नक्शा समझा दूँ, आपको कैमरे पर ना ग्लैमर दिख रहा है, ग्लैमर इस चीज़ों से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई हैं ना वो मॉडर्न फीलिंग्स और एस्थेटिक लुक दे रही हैं। सुंदर डिज़ाइनिंग है, हमने प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क किया यहाँ पे, सुंदर डिज़ाइनिंग करके हमारे लाइटिंग्स की अमेजिंग डिज़ाइनिंग है, हमारी क्लॉकवाइज स्टेयर्स की जो कि मिनिमलिस्टिक लुक, मतलब मिनिमलिस्टिक लुक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ओपननेस का काम दे रहा है, और अमेजिंग डिज़ाइनिंग के साथ हमारा एरियाज है। यहाँ पर आपकी मॉडुलर किचन है और ब्यूटीफुल मॉडुलर किचन, अभी चलेंगे फंक्शनल मॉडुलर किचन के साथ ही। यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम है, 3 बेडरूम के ऊपर वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम एरिया, और कोई ड्राइंग रूम में आए बोले यार घर हो तो ऐसा हो, वैसे वाला घर। अब चलेंगे
इसके ड्राइंग रूम की तरफ। वो ड्राइंग रूम में आप कोई आए आपका गेस्ट और बोले कि यार अल्टीमेट फिनिश में घर बनाया है, तो अल्टीमेट फिनिश दिख रही है इस घर की, तभी वो बोलेगा बॉस बहुत ही सुंदर प्रोफाइल लाइटिंग का वर्क है, वाइट कलर की प्रोफाइल लाइटिंग हमारी ऑफ वाइट कलर्स के साथ बहुत ही सुंदर ब्लेंड कर रही है, और यहाँ से आपके बैक एंड वॉल पे हमने बहुत ही सुंदर डुकोपेंट का काम किया गया जो लुक में अल्टीमेट फिनिश दे रहा है। यहाँ पे आपके सारे के सारे हमने पार्टीशंस किए जो कि हमने डुको पेंट के साथ टीक वुड का काम किया, दो कि यार बताऊँ क्या टाइम लगता है बॉस इस चीज़ को बनाने के लिए। यहाँ पर टीक वुड है, यहाँ पे आपका डुको पेंट है, तो इसको मास्किंग टेप से मास्क करना पड़ेगा, तभी तो वो नज़र आएगा ना, वो फिनिश बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे एक प्लेंटी ऑफ फ्लो ऑफ नेचुरल लाइट आ रहा है, बड़ी सी विंडो दी गई है तकरीबन 8 फुट की ऊंचाई पे और 10 फुट चौड़ी आपको विंडो मिल रही है, और यहाँ पे आपका मैश विंडो का काम है और ग्लास का काम है जो लुक में अल्टीमेट लुक और फिनिश दे रहा है। डिज़ाइनिंग की बात करूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको स्टेयर्स की दी थी बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग है, और यहाँ पे आपका प्रॉपर लॉन्च एरिया, लंबा चौड़ा सा लॉन्च एरिया, बड़ी चीज़ें बनाई गई हैं जिससे वो मज़ा आए। उसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हमारा लग्जरी रूप में हमारा पाउडर रूम है। जब भी आप पाउडर रूम बनाएं ना, डार्क कलर का इस्तेमाल करें और लग्जरी फील दे दें कि भैया गेस्ट है, लगेगा यार ये लग्जरी चीज़ बनाई है, और उसके अंदर ना लाइटिंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करें, तभी देखिए टिप्स ना कोई नहीं देगा आपको स्क्रीन पर, मैं देता हूँ। और इसके लिए सब्सक्राइब बटन का दबाना ज़रूर बने और कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ें और चाहिए। और यहाँ पे कितना सुंदर दरवाज़ा बनाया गया जो कि हमारा मंदिर का दरवाज़ा है, उसके साथ ही आपका बहुत ही सुंदर मंदिर एरियाज है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा अंदर से दिखाएं कि क्या मंदिर का लुक आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपकी मॉड्यूलर फंक्शनल मॉड्यूलर किचन है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर वाइट के साथ आपका बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइनिंग कर रखी है हमने काउंटर टॉप की, जो कि आपको ग्रेन्स देखिए कितना वंडरफुल लुक दे रही है, ब्लैक और वाइट के अंदर ग्रेन्स है, और उसको लुक में अच्छी डिफाइनिंग के साथ यहाँ पे सारे के सारे सॉफ्ट एनक्लोजर। बैक में आपका बहुत ही सुंदर बैक कोर्टयार्ड एरिया, यहाँ पे माइक्रोवेव ओटीजीज के लिए स्पेसेस, और यहाँ पे आपके लिए स्पेस फॉर फ्रिज, तो चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो लुक में टेस्टफुली लगे और टेस्टफुली हाउस और स्टनिंग हाउस के साथ चलेंगे इसके बैक कोर्टयार्ड एरियाज की तरफ, जहाँ पे आपकी प्रॉपर बैक कोर्टयार्ड एरियाज हैं, जहाँ पे हमने टाइलिंग का वर्क किया है बैक कोर्टयार्ड के अंदर, और आपको एज इट इज़ मिलेगा। तो ऐसी डिज़ाइनिंग आपको कभी देखने को मिलती है उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ। अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कि आपको कामनेस प्रदान करेगा कि भैया बहुत ही काम बेडरूम आपके लिए वेट कर रहा है। देखिए कितना सुंदर काम बेडरूम और लंबा चौड़ा बेडरूम, तकरीबन 15x20 का एक बहुत ही शानदार बेडरूम आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। नीचे हमने वुडन टाइलिंग का वर्क किया गया है, और यहाँ पे आपकी फ्रेंच वॉल की डिज़ाइनिंग है, और ग्रे और लाइट ग्रे के साथ बहुत ही सुंदर पिंच और ग्रैंड चीज़ें बनाई गई हैं। देखिए बैक विंडो, देखिए कितना सुंदर बैक विंडो है, जिसमें हमने एल शेप की विंडो बनाई है, जिससे लुक और ओवरऑल फ्लो ऑफ एनर्जी आए। जितना आप घर के पास रहते हैं ना, उतना बढ़िया रहता है। इन्वायरमेंट के पास रहेंगे तो उतना नेचुरल होना चाहिए। सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइनिंग है आपकी सीलिंग की, कोई बड़ा हैवी काम नहीं किया हुआ, लेकिन मिनिमलिस्टिक डिज़ाइनिंग के साथ यहाँ पे आपका बहुत ही एरियाज डिफेंड है, जहाँ पे आपके सारे के सारे वार्डरोब्स हैं और क्लोजेट एरिया है, और एक लंबी चौड़ी से क्लोजेट एरिया, और वास्तु फ्रेंडली हमारा ये मिरर एरियाज बना रखे हैं। यहाँ पे आपके सारे के सारे परफ्यूम्स वगैरह आ जाएंगे, और यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का अमेजिंग वर्क किया गया है। तो देखिए कितना सुंदर प्रोफाइल लाइटिंग जला के, तो वो लुक में अल्टीमेट फिनिश दे देती है। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, जिसमें हमने ड्राई और वेट एरिया को टफ एंड ग्लास के साथ मिक्सचर किया गया है, ओवरहेडर टाइलिंग की है लाइट ब्राउन टाइलिंग का और लग्जरी फील। और ये देखिए कितना सुंदर वॉशरूम का हमारा दरवाज़ा है, जिसमें हमने वुड के साथ हमने यहाँ पे टिंटेड ग्लास का वर्क किया है, तो मतलब एक नया फील दे दिया ना, एक लुक भी ऐसा होना चाहिए भैया, मज़ेदार लुक होना चाहिए। उसके साथ ही अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स की तरफ, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स जा रही है, और मज़ेदार फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स है, जहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर डिज़ाइनिंग कर रखी है हमारे वुडन के अंदर, प्रोफाइल लाइटिंग है। देखिए लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, ये काम छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस को हमने अच्छे से डिफाइन किया है। टफ एंड ग्लास का लुक भी अल्टीमेट फिनिश दे रहा है। देखिए फिनिश ऐसी होनी चाहिए जो डिज़ाइनिंग बिल्कुल प्लेन
प्लेन है ना लुक, यहाँ पे भी प्लेन लुक, लेकिन वो यहाँ पे हमने सिलिकॉन से इसको ग्लास को चिपकाया हुआ है, तकरीबन 10 mm मोटा ग्लास है, और लेकिन डिजाइनिंग तो ऐसी होनी चाहिए ना कि वो लुक में अल्टीमेट फिनिश दे। अब चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। देखिए ब्यूटीफुली मेड, यहाँ पे भी फ्रेंच वॉल्स हैं, सुंदर डिजाइनिंग करके हैं हमारे सीलिंग के अंदर, जिसमें वुडन का काम किया है, वही टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और ये देखिए सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ एरियाज है, उसके साथ ये हमारा लॉन्ज एरिया आ जाता है, उसके साथ ही यहाँ पे आपके फ्रंट एरिया में पैशियो एरिया, डिफाइंड एरिया पैशियो, जो कि लुक में जबरदस्त, और बी रोड का घर होने के कारण आपको प्रॉपर एरियाज डिफाइंड है, और बहुत ही सुंदर एक्सेस है, मतलब 1 मिनट के अंदर एक्सेस है मेन ए रोड से इसका एक्सेस, और बहुत ही डिजाइनिंग में ओवरऑल लुक में। और ये देखिए आपके सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरा, जो जो चीज़ें आपको दिख रही है ना वो एज इट इज़ घर के अंदर मिलेगी। 10 मरले का एक प्राइम लोकेशन में आपने अभी तक घर देख रहे हैं, तो अभी तक जुड़े हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबा दें। चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि वंडरफुल लुक में है, और ग्रे कलर की एरियाज डिफाइंड है। देखिए बैक एंड पे ग्रे कलर की वॉल जो कि ग्रीटिंग्स दे रही है, बड़ी विंडोज दी गई जहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ सनलाइट आएगी, और यहाँ पे सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइनिंग है हमारी सीलिंग की, यहाँ पे आपका बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग है। यहाँ से एक डोर है जो कि अब मैं आपको ग्राउंड फ्लोर से दिखा रहा था ना, यहाँ से आपकी वो स्टेयर्स जा रही है जो कि टॉप फ्लोर तक, जहाँ पे आपके सर्वेंट क्वार्टर्स और आपके लिए पार्टी के लिए प्रॉपर स्पेसेस हमने बनाया है। उसके साथ ही आपके यहाँ पर हमने एक अटैच वॉशरूम बनाया है, जहाँ पे आपके सारे सारे क्लोजेट एरिया कितना सुंदर डिजाइनिंग के साथ, कितना सुंदर एरियाज डिफाइंड है। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम है जहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया, और ओवरहेड तक हमारे वाटरफॉल शावर्स होते हैं ना, उस तरीके के शावर्स का डिफाइनिंग है। छोटे छोटे स्पेसेस में हमने लाइटिंग का वर्क किया है, और टफ एंड ग्लास के साथ उसको ड्राई और एयरबेट एरिया का स्पेसेस, यहाँ पे आपका सारा का सारा वैनिटी एरियाज, और डिफरेंट लुक में डिफरेंट एरियाज डिफाइंडिंग है। इसी साथ चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि ग्रेसफुल वाला बेडरूम है। इसमें भी लंबा चौड़ा बेडरूम, जैसे ग्राउंड फ्लोर दिया 15x20 का लंबा चौड़ा कमरा आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर सीलिंग डिजाइन नॉर्मल लुक में, और बैक एंड में भी कोर्टयार्ड। और इसके सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे इसका यहाँ पे हमने स्टडी एरिया बना रखा है, और यहाँ पे आपका बड़ा सा क्लोजेट एरिया जिसमें हमने ग्लास का वर्क किया गया है, और यहाँ पे आपके सारे के सारे टिंटेड ग्लास के साथ एरियाज डिफाइंड है, जहाँ पे आपके प्रॉपर शॉवर एरिया है, तो डिफरेंट डिजाइनिंग के साथ ये कितना सुंदर क्लोजेट एरिया। फ्रेंड्स, आज हमने देखा एक 10 मरले का स्टनिंग ब्यूटीफुल हाउस, जो कि एक वंडरफुल फिनिश के साथ आपको दिख रहा है, टेस्टफुली बिल्ड है, और ये मेरा दावा है पंचकूला की प्राइम लोकेशन में ऐसा घर जो कि लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो खरीदना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, हम इसको खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो छोटा सब्सक्राइब बटन है, और मेरी फोटो के साथ आ रहा है उसको दबा दें, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम आपके लिए अच्छा काम करते रहिए इसके लिए मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।